अरफात बैंक्वेट्स, दो खुशादा खूबसूरत हॉल्स, 600 तक मेहमानों की बेहतरीन गुंजाइश, फुल्ली एयर कंडीशन, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट एक्सपीरियंस एंड बाअदब स्टाफ, वसीतर पार्किंग एरिया। अरफात बैंक्वेट्स, खिलवत रोड नियर शाली बंडा, हैदराबाद। भैया मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसमें सभा का कुछ भी हाथ नहीं है। सभा जो भी थी, जैसी भी थी, अच्छी थी भैया, छोड़ दो उसके भी, ये मेरे मामले में नको घसड़ो भैया। मैं मर गया तो इसका जिम्मेदार मेरे खरीदारा है, और कल मेरे पर जो टॉर्चर हुआ मेरे ससुराल वालों का, मेरे सास का, मेरे ससुरे का, मेरे सालों का, मेरे मामू ससुरों का, जितने भी तमाम जितने भी जने शामिल थे ना, आज मैं जो मरने की वजह है, मेरी मरने की वजह वो लोग हैं और खरीदारा हैं भैया। खरीदारों से उतना नहीं डरा भैया, कल मेरी इज्जत चली गई पूरी, अब मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा सिवाय अल्लाह के पास। मैं माफ़ी चाहता हूँ भैया, मेरे को माफ़ कर देना, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम लोगों को तकलीफ़ दिया, परेशान करा, तो मेरे बच्चों को बस अच्छी देखभाल दे दो भैया, बस दोबारा सूरत नहीं दिखेंगे इंशाल्लाह, और मेरे को ढूंढने की कोशिश न करो भैया। मैं टाइम वेस्ट किसी का, पैसा वेस्ट नहीं करना चाह रहा भैया, बहुत तकलीफ़ दे दिया आप लोगों को मैं, और तकलीफ़ नहीं देना चाह रहा। जिस किसी का भी मैं कर्जा बाकी हूँ, मेहरबानी करके अगर माफ़ कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं बोले तो अब आप लोगों के ऊपर है भाई। यहाँ पे हूँ बीच तालाब में, अल्लाह हाफिज़। और आप ही, तेरे से बहुत माफ़ी मांगता हूँ आप ही, मैं तेरा कर्जा बाकी हूँ, तेरा कर्जा भी उधार रख के जा रहा हूँ, मेरे को माफ़ कर दे आप ही। और सभा तू सोच के अफसोस नको कर ले, तेरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, जो भी मेरे नसीब में होना था वो हो गया, छोड़ दे। और मेरे सबका ये जो मेरी मरने की वजह है, सब तेरे अम्मा की करतूत है और तेरे मामों की करतूत है, ना जो आके कल मेरे पे जुल्म कर दिए, नहीं करना था ये जुल्म। मर जाओ बोले ना अल्लाह की बात सुन के ही मर रहा हूँ। और कर्जदारों से भी मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, अगर आप लोग ना हक के मेरे भाइयों पे टॉर्चर करेंगे भैया, ये वीडियो लिख जाके आप सीधा पीएस में बता के कंप्लेंट करो, अगर मेरे कर्जदार कोई तुम्हारे तक आया तो सीधा लिख जाके कंप्लेंट कर दो भाई, मेहरबानी होती आप लोगों। अपना परेशान नको, अपना परेशान नहीं होना बोल के मैं जा रहा हूँ भैया, बस इतनी मेहरबानी करो भैया। भाई अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन है। हमारे भाई जो है ना 29 से मिसिंग है, हम लोग बहादुरपुर में कंप्लेंट दिए, हम लोग उन्होंने जो ना वीडियो डाले हमको, मैं भाई सुसाइड करता हूँ बोल के, तो जो है ना उनके ससुराल वाले, ये उनकी सुसाइड करने की वजह ये है कि उनके ससुराल वाले आके उनको रात में मारे 29 के दिन फुल मारे, तो जो है ना उन्होंने मॉर्निंग जो है ना डिप्रेशन में जाके वीडियो बना के डाले हम लोग को, तो हम लोग दिन भर जाके वहाँ चक्कर है, चक्कर के बाद जो है ना हमको कुछ भी नहीं मिला वहाँ पर, तो फिर हम लोग बहादुरपुर पर आके उनकी मिसिंग कंप्लेंट दी, दिए बाद जो है ना स्पॉट पर जाके वेरीफाई कर रहे नहीं लोग, कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, ठीक है हम लोग करते करते बोल के बोल रहे। अभी अभी हम लोग ACP साहब के नहीं आए, आए तो जो है ना अच्छा रेस्पॉन्स दिए साहब हमारे, जो है ना जाए ठीक है जाओ आप लोग, हम बाजार साथ में बोके बोले, अब वहाँ जाके हम लोग देखते हैं क्या है सो, हमारा भाई जहीं भी दिखेंगे आपको, जरा ये नंबर पे हम कॉल किए 9397844950। वो सुसाइड करते बोल के वीडियो करते, सुसाइड करते बोल के वीडियो डाले, ससुराल वाले मारे मेरे को, कर्जेदारा दम करे मेरे को बोल के जो है ना, कर्जेदारा को उतना मेरे को इश्यू नहीं था, ससुराल वाले आके जो मारे हैं उसी बहुत मेरे को जो है ना इससे मेरे को बहुत तकलीफ हो गई, मेरी बेइज्जती करे वहाँ बोल के जो है ना सुबह जाके वीडियो डाले, रात भर फिरे ना बस्ती में चौरस्ते पे फिरे, वो जो है ना किशनबाग में रहते दिन भर और रात भर वहीं रहे, सुबह में 10:30 बजे वीडियो डाले हम आप, वो लोग है बोरा बंडे के, वो लोग जो है ना कुछ कम लगभग 13 जने आके मारे, उनके मामू लोग, उनके वाइफ के मामू लोग,
साला और उनके मामों के दोस्त आके हमला करे, ससुरे भी आके हमला करे, और जो ना उसमें वीडियो में पूरा बोल रहे हैं ना हमारे भाई, हम लोग शामी भी थे और वो पूरा हुए बाद गए हम लोग रात में हुए बाद। कहाँ पर आके मारे वो? किशन बाग में हमारे भाई के घर पे आके मारे, हम लोग कोई भी नहीं थे, हम लोग हमारे बहन के घर पे दावत में थे, तो जब आके मारे वो लोग, वो किसी और से लोग किसी ताल्लुकात रखे बोल के मारे वो लोग, लेकिन ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ कॉल करे नो इन रेडर ना पकड़े ना उनको मालूम है, सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग पे जो है ना सुन के उनके शक के बुनियाद पे आके मारे। हालांकि 28 के दिन उन लोग आके कॉम्प्रोमाइज भी कर लिए थे, 29 के दिन आके मार के उसने रात में से मिसिंग है हमारे भाई। तो वो लोग बोले भाई हम लोग देखते हम लोग फोन ट्रेस पे डाले वो डाले बोल रहे, अभी तक रेस्पॉन्स नहीं आया, एयरटेल नंबर है बोल के जो है ना 3 दिन के बाद नंबर आता बोले, कुछ भी नहीं आज 4 दिन का 5 दिन हो गए आज मिस हो के, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, खाली वो रिपोर्ट आन दो पहले ला के लोकेशन आन दो लोकेशन आन दो बोल के वेट कर रहे लोग। हाँ वीडियो बताए, वीडियो बता के हम मिसिंग के यहाँ भी है, कॉपी दिए लोग हमको, कॉपी दिए हमको, ये बहादुरपुर की है, हम लोग वो लोग जो है ना उतना केयर नहीं कर रहे, हर जगह से रिकमेंड लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे एरिए के कॉर्पोरेटर साहब को भी लेके आए थे हम लोग, वो लोग भी बात करके चले गए खाली, वो लोग कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे रहे साहब, हम लोग फिर रहे हम क्या करेंगे बोलो, सिर्फ यहाँ ये एक जरिया है बोल के आए, अब यहाँ नहीं रहेंगे तो और आगे जाएंगे हम लोग कोर्ट को जाएंगे, अब यहाँ तो साफ दे दिया रेस्पॉन्स। अच्छा नहीं बोले उन्होंने बोले यार कर देते हो जाता बोले, हम आपको तसली दे के चले गए, तो दिए बात उन लोग वो जगह पे जाके हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको, वीडियो बताने का मकसद क्या है पुलिस वालों को, वो जगह पे जाके वेरीफाई करना ना, वो कर रहे नहीं ना सीसी कैमरे चेक कर रहे नहीं कुछ भी नहीं, वो कैसा गया वो किधर गया, हम आपको सवाल कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, और वहाँ से वो लोग खुद लड़की वाले कंप्लेंट करे वहाँ से, वो कौन सी PS से फोन आया हमें, केस नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, वो 28 के दिन क्लोज हो गया पूरा, समझा दिए कॉम्प्रोमाइज हो गया सब खत्म हो गया, 29 के दिन सडनली आके वो लोग घर पे हमला कर दिए उनके ससुराल वाले,